पोटका के हातालदी पोखर समेत कई इलाकों में जंगली बंदर अपनी दहशत कायम कर चुके हैं, जिसके कारण उसे देखते ही लोग भागने लगे हैं। पर पिछले 3 दिनों में जंगली बंदर द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद बंदर वन विभाग के पकड़ से दूर है। हाता में 4 लोगों को फिर से शिकार बनाए जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग द्वारा किशोर कुमार सोरेन के नेतृत्व में टीम पिंजरा जाल लेकर गंगाडीह पहुंचे और इसे पकड़ने का प्रयास किया गया, मगर वन विभाग की टीम को देखकर बंदर आगे आगे तो वन विभाग की टीम पीछे पीछे लगभग 20 किलोमीटर दूर तक सिलसिला चलता रहा। इसके बावजूद वन विभाग के पास पर्याप्त साधन नहीं होने के अभाव में जंगली बंदर को पकड़ा नहीं जा सका। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि जंगली बंदर से अब डर लगने लगा है, क्योंकि ये चेहरे पर काट कर घायल कर रहा है। লাগিছে তাই বেলাট কোন বাইরে এখন লাগিছে বহুত ডেঞ্জার লাগিছে পুরো আইডেন্টি পুরো বেলাট ভরে গেল साहब हल्दी पोखर तरफ से हंदूर बंदा ठोईदार भाग के आया है, ऐसे सुनाई में हम लोग को दे रहा है कि हल्दी पोखर तरफ गंगा होते हुए गुड़बंगा होते हुए गंगाड़ में कुछ आदमी को काटा है। थोड़ा बहुत मालूम चल रहा है कि 10-11 आदमी को काटा है, लेकिन हम लोग खुद तो नहीं देखे हैं, जो बता रहा वो बता रहा था। ऐसे बनिवा का टीम आया है जी, बोन भाई का टीम आया है, घाटशिला से आया है। ओलोंग नेट लाया है, उसको पिंजरा में रखने के लिए लाया हुआ है, लेकिन अभी तक और लोग सफल नहीं कर पाया है। बड़ामपुट तक आया है, उसके बाद बड़ामपुट का नदी से उस बार डुकू ढेर जो पड़ता है ना, वो उस दिशा से भाग गया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।